बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस देश के करोड़ों लोगों के लिए चिंता का विषय बना है वो है मोदी अडानी घोटाला। लाखों करोड़ का घोटाला हुआ है। जिन लोगों ने LIC में अपनी बेटी की शादी के लिए, बुढ़ापे की पेंशन के लिए, बीमारी के लिए या छोटा सा घर बनाने के लिए पॉलिसी ली थी, उन करोड़ों लोगों के मन में चिंता है। जिन करोड़ों लोगों ने अपना पैसा SBI में जमा किया है, उन करोड़ों लोगों के मन में चिंता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अडानी के मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया। लगातार 7 दिनों तक मैंने 267 का नोटिस दिया, जिसका जिक्र आज चेयरमैन साहब कर रहे थे। लगातार मांग कर रहा था कि इस पर चर्चा कराइए, JPC बनाइए। अगर सरकार ने कोई गलती नहीं की तो JPC से क्यों भाग रहे प्रधानमंत्री जी? मैं पूछना चाहता हूं, एक ही व्यक्ति को आकाश से लेकर पाताल तक आपने सब कुछ दे दिया। अडानी को कोयला दिया, गैस दिया, सड़क दिया, बिजली दिया, पानी दिया, सीमेंट दिया, स्टील दिया, सीपोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया, सब कुछ दे दिया। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया और जब व्यापार में घाटा रहने लगा तो 84,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। और उस व्यक्ति ने क्या किया इस देश के साथ? 38 फर्जी कंपनियां विदेशों में खोली, मॉरिसस में एक पते पर 6 कंपनी खोली, उसके माध्यम से 42,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की अपनी कंपनियों में लगाया, अपने शेयर को ओवर वैल्यू किया, बैंकों से कर्जा ले लिया। इस देश में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, क्या कर रही है SEBI, ED, CBI, क्या कर रही है जांच एजेंसियां? ये सिर्फ इसलिए अडानी को बचाने में लगी हुई है क्योंकि ये घोटाला नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ घोटाला है। और मैं तो कहता हूं, भारत की सरकार अडानी की पतिव्रता पत्नी हो गई है। जैसे पत्नियां अपने पति का नाम भारतीय परंपरा में नहीं लेती हैं, उसी तरीके से प्रधानमंत्री और भारत की सरकार अडानी का नाम नहीं ले रही है। लेकिन हम इसको जनता के बीच में लेके जाएंगे। हमारी JPC की मांग अभी भी बरकरार है। सरकार जाग जाए, JPC बनाए, जांच कराए और अडानी के खिलाफ कार्रवाई करे, उनकी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करे, वरना ये मुद्दा और बड़ा बनेगा और व्यापक रूप लेगा, क्योंकि ये देश के करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। रजनी पाटिल जी को सस्पेंड करना घोर असंवैधानिक है। जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स का टेलीकास्ट हो सकता है तो आप मुझे बताइए कि क्यों वीडियो नहीं बनाया जा सकता? वीडियो बनाना कौन सा ऐसा बड़ा अपराध हो गया इसके कारण से आपने एक मेंबर को सस्पेंड कर दिया? ये पूरा देश देख रहा है कि आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के, दुनिया के सबसे बड़े नेता के राज में दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और उसके नेता खामोश हैं, अडानी के पीछे छिपे हुए हैं। कह रहे भारतीयता पे हमला हो गया, ये क्या मजाक है? अडानी पे हमला भारतीयता पे हमला है? क्या अडानी इंडिया है? क्या इंडिया अडानी है? नहीं। खुद उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5,400 करोड़ रुपए का ठेका उत्तर प्रदेश में रद्द किया है अडानी का। तो क्या योगी आदित्यनाथ ने भारत के खिलाफ साजिश की? क्या योगी आदित्यनाथ अमेरिका की कंपनी है या वहां के निवासी हैं? क्या योगी आदित्यनाथ भारत के ऊपर हमला कर रहे हैं? अरे 6,000 का बिजली का मीटर अगर 10,000 रुपए में अडानी देगा तो उस ठेके को सभी पार्टियों के दबाव में उत्तर प्रदेश में कैंसिल किया गया। आज मुद्दा अडानी के भ्रष्टाचार का है, भारतीयता का सवाल नहीं है। भारतीयता के नाम पर भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश मत कीजिए मोदी जी, और हमारी ये मांग आगे भी जारी रहे। थैंक यू सर।